हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर 8, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 8.1 भी कंप्लीट कर लिए एंड 8.2 के भी क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जो जो क्वेश्चन सिलेबस में हम सारे उसको कवर कर रहे हैं अपनी न्यू बुक सुपर मैथ स्टार में से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड आपको बाकी सारी वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 8 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्लास 8 की 2 प्लेलिस्ट, एक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स और एक आपकी बुक सुपर मैथ स्टार। तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और सारी वीडियोस को देख सकते हैं, या आप सीधा में यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं चैप्टर नंबर 8 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्सरसाइज का नेम लिख दीजिए, एक्सरसाइज 8.1 और 8.2, एंड साथ में आपको अपनी बुक का नेम लिखना है सुपर मैथ स्टार एंड चैनल का नेम ब्रिलियंट माइंड। तो आपके पास सारी वीडियोज आ जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 625 अमाउंट इन टू दिस, ये हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट इतनी हो गई इन टू ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, और हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया है प्रिंसिपल, दैट इज 625, अमाउंट कितनी हो जाएगी रुपीज 676 और कितने टाइम में हो जाएगी, टू ईयर्स। हम अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला में, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 इंटू एन, आर हम अपना कैपिटल ही लिख लेते हैं। अमाउंट कितनी है, जो जो वैल्यूज आपको पता है ये है प्रिंसिपल, 1 + रेट नहीं पता एज इट इज, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। अब हम इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए ये नंबर प्रिंसिपल क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, ऐसे रहने देते हैं 1 + r/100 रेज टू पावर 2। अब यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 + r/100 रेज टू पावर 2। अब हमें वैल्यू में फाइंड करनी r की, तो पहले हमें ये जो पावर है ना इसको कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, अगर इस साइड भी हमारे पास पावर 2 हो जाए तो दोनों पावर्स हो जाएंगी हमारी कैंसिल। अगर आपकी पावर सेम होती हैं तो आपके बेसिस भी क्या होते हैं, इक्वल है। सारा कंसेप्ट हम अपने चैप्टर जो नेक्स्ट टर्म में आपका चैप्टर आएगा एक्सपोनेंट, उसमें अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। अभी बस हम थोड़ा सा उसका बेसिक्स देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको ये फाइंड करना है ये नंबर किसका स्क्वायर है और ये नंबर किसका स्क्वायर है। कैसे फाइंड करें, हमें इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो वो कैसे करते हैं देखिए, वैसे तो हमें सीधे नंबर्स कुछ याद होते हैं, हमें ये देखना है किसका स्क्वायर है, पर अगर आपको नहीं याद तो आपको फाइंड करना होगा। जैसे 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3 जा 2 3 जा एंड 2 8 जा देन अगेन 2 पे 2 1 जा 2 2 6 जा एंड 2 9 जा, ये तो जाता ही 13 के टेबल में है, 13 13 जा एंड 13 1 जा। अब स्क्वायर मींस दो नंबर, देखिए पेयर बनने चाहिए, पेयर बन गए, हर पेयर में से आपको एक ही नंबर लेना है, इस पेयर में से भी एक नंबर, 13 2 जा 26। इट मींस 26 का अगर हम स्क्वायर करें, दो बार मल्टीप्लाई करें तब आएगा ये नंबर। ऐसे हम 625 का भी फाइंड कर लेते हैं, ये 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 देन 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा। यहाँ से भी 1 5 ले लिया, इसमें से भी 1 5, तो 5 5 जा आपके पास आ गया 25। इट मीन्स 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो हमें अपने दोनों नंबर्स मिल गए, 26 ऊपर आने, 25 नीचे आने। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें देन देखिए 26 × 26 = 676, तो हम लिख सकते हैं 26² = this। तो इसकी प्लेस पे लिख दिया 26² एंड यहाँ पे 625 का आंसर क्या आया, 25 का स्क्वायर, और 625 की प्लेस पे हमने लिख दिया 25² दोनों पावर्स को हमने बाहर कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पे रूल क्या है, अगर आपके ये बेसिस हैं और ये पावर्स हैं, अगर आपकी पावर सेम है तो हमारे बेस क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में पावर्स को नहीं लिखना, ओनली बेस को लिखना। ये डिटेल में हम एक्सपोनेंट के चैप्टर में कंसेप्ट को
समझेंगे। वह आपने ये याद रखने, अगर आपकी पावर्स सेम है तो आपके बेसिस भी इक्वल होते हैं, देन आपको पावर्स को नहीं लिखना, आपकी पावर्स हो गई कैंसिल। देन अब यहाँ पे देखिए, हमें तो फाइंड करना है आर की वैल्यू, तो वन इधर प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस कर देते हैं। आर ओवर 100, वन डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया 25, देन यहाँ पे 26 माइनस 25, क्योंकि 25 को वन से डिवाइड 25 ही आएगा, 26 माइनस 5 वन ओवर 25 आर ओवर 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो 100 है वो डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4% पर एनम, ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ आ गया, आपको बस इस कंसेप्ट को, इस स्टेप को अच्छे से याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मैनी ईयर्स विल 4,000 रुपीज अमाउंट टू 4,630.50 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है, रुपीज 4,000, अमाउंट दी है हमें रुपीज 4,630.50, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 5% पर एनम, हमें फाइंड करना है टाइम, तो वैल्यूज पुट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ओवर 100 एन, अमाउंट है 4,630.50, प्रिंसिपल 4,000, 1 प्लस 5 ओवर 100, टाइम की प्लेस पे एन, क्योंकि अभी टाइम हमें फाइंड करना है। देन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये नंबर ऐसे लिखते हैं, 4,000 को यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, डिवाइड 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1, एंड ये बन गया एलसीएम लेके 100, एंड 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, 100 वन ज़ा 100 प्लस 5, देन ऊपर एन है हमारे पास, इसका डेसिमल हटा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देन आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर हम 100 लिख देंगे डेसिमल की प्लेस पे 1, एंड पीछे 2 डिजिट है एंड 2 जीरोस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जितना ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकता है हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 0,0 कैंसिल, देन 5 के टेबल में 5 नाइन ज़ा 45, 1 एंड 3 हमारे पास 13 हो गया, 5 टू ज़ा 10, देन 30 5 6 ज़ा एंड 5 वन ज़ा, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 2, ऊपर वाला नंबर है 9,261 एंड नीचे 4,28,8,000, ये नंबर आगे फर्दर रिड्यूस नहीं होते, यहाँ पे आ गया 105/100 रेज टू पावर एन, अगेन 105/100 की हम यहाँ पे कटिंग भी कर सकते थे, यहाँ पे कर लेते हैं, तो 5 के टेबल में जा सकते हैं 21/20, देन इसकी पावर एन है। अब आपको क्या देखना है, हमारे पास यहाँ पे एक नंबर आया 21/20 रेज टू द पावर एन, अब हमें देखना है क्या ये नंबर भी 21/20 की पावर बन सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट समझा कि अगर हमारी पावर सेम है तो बेसिस सेम होते हैं, एज इट सेम, अगर आपके बेसिस सेम आ गए, अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में से, लास्ट क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी वो बेस में से थी, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में से है, तो अगर आपके बेसिस दोनों साइड सेम हो तो पावर्स भी इक्वल आ जाती हैं, तो अब आपको इन दोनों को फाइंड करना है, तो इसके लिए इनके भी क्या फाइंड करने होंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले 3 पे कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 पे जा नहीं सकता, देन 3 ज़ा 9, 3 0 क्योंकि 2 नंबर्स को एक साथ लेना है, 3 8 ज़ा एंड देन 3 7 ज़ा, अगेन 3 1 ज़ा 0 एज इट इज़, 3 2 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, ये नंबर 7 के टेबल में जाते हैं, आपको याद रखना है 7 49 ज़ा 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास 2 2 के पेयर्स नहीं बने, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब, जब हमारे पास 3 3 का ग्रुप बनता है वो क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं, तो हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स लिख लिए। ऐसे ही हम 8,000 को कर लेते हैं, 8,000 आप सीधा भी लिख सकते हैं, 20 into 20 into 20, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें
7 3 21, तो अभी हम इसको रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 21। इट मीन्स अगर हम 21, क्योंकि यहाँ पे क्या आया 1 2 3, वहाँ पे 2 2 के पेयर्स बने थे तो स्क्वेयरिंग की, 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं तो क्यूबिंग करेंगे। तो इट मीन्स 7 3 21, अब 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें देन आपके पास ये नंबर आएगा। ऐसे ही अगर हम 20 को 3 टाइम्स करें तो आएगा 8000। आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फाइंड करके देख सकते हैं सीधा भी, क्योंकि हमें पता है। देखिए 20 × 20 × 20 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, पीछे 3 ज़ीरोज, ईजी था इसलिए हमने सीधा ही लिख लिया। इट मीन्स हम लिख सकते हैं अपने ऊपर वाले नंबर को 21 का क्यूब एंड नीचे वाले नंबर को 20 का क्यूब। अब देखिए दोनों पे सेम क्यूब है, ये भी एक्सपोनेंट में है, जो डिटेल में हम अपना सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट टर्म में हम। इट मीन्स तो यहाँ पे 21/20³ और यहाँ भी 21/20 है। अब देखिए अगर आपके बेसिस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हमारे बेसिस सेम है देन हमारी पावर्स होती हैं इक्वल। इट मीन्स एन किसके इक्वल आ गया, 3, तो आपका आंसर क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। जो हमारे लास्ट दोनों क्वेश्चन थे, एक में हमें रेट फाइंड करना था और एक में हमें फाइंड करना था टाइम, दोनों ही आपके लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन थे, बट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ अपना चैप्टर नंबर 8 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।